ओके देखिए ये एक समीकरण है भाई 7x - 6y = 20 और एक है 3x + 4y = 2। अब ये युगपत समीकरण को मैं सॉल्व करना है। अगर हमें x को बराबर करूंगा तो देखिए ये 7x है 3x, अगर मैं इसे दुगुना करता हूँ 6 हो जाएगा, 3 गुना करूंगा 9 हो जाएगा, लेकिन बराबर तो नहीं हो रहा। ऐसे ही अगर 6y और 4y में कौन छोटा है, 4y, अगर मैं इसे दुगुना करूं तो 8y हो जाएगा, 3 गुना करूं तो कितना जाएगा 12y, लेकिन बराबर तो नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति जब फंस जाती है तो इसके अंदर हम अगर बाई को बराबर करना चाह रहे हैं तो 6, ये कितना 6 और ये कितना है 4, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। लिया 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। अभी 2 से अगर एक संख्या भी 2 से आ रही 2 से काटते रहेंगे, 2 से 3 नहीं कट रहा तो 3 नहीं लिखेंगे, 2 ही काम, अब 2 से कोई नहीं कट रहा इनमें से तो कैसे काटेंगे, 3 से 3 ही काम, 3। जब यहाँ पे एक एक आया तो इसका मतलब लघुत्तम हमारा लघुत्तम समावर्तक लेंगे, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। तो 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, यानी हमें 12 बनाना है, किसको, इन दोनों को। तो देखिए 6 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से, और 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। तो जब 2 को से गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण को करेंगे आप, तो ये 2 × 7 = 14x - 2 × 12y और 2 × 20 = 40, ऐसी 3 × 3 = 9x, 3 × 4 = 12 और 3 × 2 = 6। अब ये बन गया सवाल। अब यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी विपरीत साइन है, यहाँ पर विपरीत है तो ये आपस में कट गए, यहाँ क्या हो 14x और 9x मिलके कितने हो गए 23x, 23x बराबर कितना हो गया 46, तो x बराबर कितना हो गया, जब यहाँ से 23 गुना कम करोगे तो इधर से भी 23 गुना कम करोगे, यानी बटे 23, ये 23 बटे में आ गया, तो 23 × 2 = 2 आ गया। अब x का मान समीकरण किसी भी में मन करे, आपको मान लो 2 में मन कर रहा है, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 कहाँ, यही तो है, देखो भाई अब ये हो गया 3x, 3x का मतलब क्या हुआ 3 × 2 + 4y = 2, तो 3 × 2 = 6 + 4y = 2, तो 4y, अब ये वाला सवाल बन गया पल्ले वाला, इधर से 6 कम करोगे तो उधर भी 6 कम करने पड़ेंगे, तो 4y बराबर कितना आ गया -4, तो y बराबर कितना हो गया -4/4, 4 का पहाड़ा इससे पड़ेंगे 4 × 4, तो हमारा y बराबर कितना आ गया -a। तो इस प्रकार से हमने इस खेल विधि के द्वारा हम बहुत सरल तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं।